ये फॉर्म वाले जो हैं जो उन्होंने चीज़ें ली, कोई पुरानी फ्रिज है, मेरा ख्याल है कि ये फ्रिज चलती नहीं है, वैसे ही है। और जो है ये दिखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है, काफ़ी गहरी है, इधर आके पता लग गया कि ये काफ़ी गहरी है। क्या हो जाना था इसलिए लेक का व्यू मिस हो गया, और काफ़ी बड़ी है ये, काफ़ी बड़ा ट्रैक हम ले कर चलें तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम लेक का, अब मुझे नाम अगर अफ्तारी करने आए और अभी अफ्तारी का टाइम हो जाए तो अफ्तारी के लिए राइस रेडी हो रहे हैं और ये पकौड़ों का सामान इधर बन रहा है सारा, अभी डन रहे कोई बात नहीं उठा लेंगे। अरे हो गए हैं रेडी, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी शक्ल निकली है। वाओ, देख के ही रोज़ा लग गया भाई, चावलों के साथ साथ पकौड़े भी रेडी। बस जाने के लिए रेडी हैं, थोड़ा सा सामान रखने वाला है, जैकेट्स वगैरह, अभी के लिए तो धूप है लेकिन इधर कोई नहीं पता कि कब मौसम चेंज हो जाए, कब बारिश हो जाए, और शाम को तो वैसे ही ठंड हो जाती है। तो जैकेट और ये कैमरा और हम हैं रेडी जाने के लिए। और गार्लिक सब कुछ चीज़ें हैं और ये चीज़ें रखी हुई किधर हैं, ये मेरा ख्याल है कि कोई फॉर्म है शायद, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फॉर्म है, लेकिन सारा ये जंगल ही है इधर तो, और इधर पता नहीं क्या क्या पड़ा है। इसमें ये पड़े हैं एप्पल, ये इधर इनका गल्ला लगा हुआ है जिसमें जो भी चीज़ लेनी है खुद ही, शायद आप लोग देख सकें, इसमें पैसे हैं लेकिन मे भी कैमरे में वो नहीं आ रहे। तो ये फॉर्म वाले जो हैं जो उन्होंने चीज़ें ली होती हैं वो तोड़ के इधर रख देते हैं, और जिसने जो भी चीज़ लेनी है उसने खुद ही अपनी ईमानदारी से पैसे डाल देने हैं इसके अंदर, गल्ले के अंदर। अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखो ये गल्ला जो है ये लॉक भी नहीं है, ये देखो ये पैसे ऐसे ही पड़े अंदर, लॉक नहीं किया, सिर्फ पत्थर रखा हुआ है। और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, ये एप्पल पड़े हैं, ये लहसुन पड़ा है, गार्लिक है, ये ग्रेप्स हैं, साथ लिखा हुआ भी है, लेमन पड़े हैं, और
अभी फ्रिज खोल के देखते हैं कि फ्रिज के अंदर क्या क्या पड़ा है। कोई पुरानी फ्रिज है, मेरा ख्याल है कि ये फ्रिज चलती नहीं है, वैसे ही है। इसमें क्या क्या पड़ा है, लेमन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई पत्ते टाइप है। ये टी लिखा है और ये पता नहीं क्या चीज़ है। इसमें ये $1 की है, ये डिलीशियस ग्रेप्स हैं जो $3 की हैं। वाह, मज़े के लग रहे हैं वो तो, बाकी तो सारी फ्रिज खाली है। वाटरफॉल में पानी तो कम ही है, इधर कोई दरिया जाता है मेरा ख्याल, ये पानी जो है ये उसके अंदर जाता है। वाटरफॉल जो है ये दिखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन पानी इसमें थोड़ा है। अगर मे भी कैमरे में आ रहा होगा थोड़ा बहुत ही, लेकिन काफ़ी नीचे उतरना पड़ रहा है, काफ़ी ऊपर से मैं आया हूँ। रेंटम वाटरफॉल है इसका नाम। और काफ़ी गहरी है, इधर आके पता लग रहा है कि ये काफ़ी गहरी है, लेकिन पानी इसमें बस कम ही है। ये नीचे पता नहीं पानी किधर जा रहा है। इधर भी है, उधर नीचे लोग पी रहे हैं, लेकिन अब उधर जाने का रास्ता नहीं है। होगा भी तो पता नहीं है, अगर जाएंगे तो उधर फिर देर हो जाएगी, इफ्तारी का टाइम है। ले जी, लेक पे पहुंच गए हैं और अफ्तारी होने वाली है, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट ही रहते हैं। जगह बड़ी प्यारी है, इन्होंने इधर बारबेक्यू के लिए भी बनाया हुआ है। ये दरख्त का कलर कितना प्यारा है। ये लेक है और बैठना किधर है, इधर इधर बैठेंगे या इधर, अच्छा इधर ठीक है। लेक पे हम पहुंच गए हैं। एक मैं क्विकली आपको लेक का रिव्यू करवा दूं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट ही हैं, फिर बाद में अंधेरा हो जाना था, इसलिए फिर लेक का व्यू मिस हो जाएगा। ये देखें, ये सामने लेक का व्यू है, बहुत प्यारी लेक है और काफ़ी बड़ी है ये, काफ़ी वो पीछे तक काफ़ी जा रही है। अगर यही हम यही पैदल चलने वाला ट्रैक हम ले कर चलें तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर का पैदल जो है वो ट्रैक होगा। ये जगह है डेलसफोर्ड और इस लेक का अब मुझे नाम नहीं पता कि नाम क्या है, लेकिन मैं देख के इधर लिख दूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लेक का नाम। प्यारी जगह है, पिकनिक के लिए बड़ी प्यारी जगह है। अगर अफ्तारी करने आए हैं या कोई फैमिली के साथ आए तो सीटिंग एरिया काफ़ी है, बारबेक्यू के लिए जगह बनी हुई है और मेरा ख्याल है कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारी जगह है।
मारी मारी हो रही है। हाँ जी, तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया काफ़ी, तो अभी फिर हमने जाना है वापस घर। तो इधर से मेरा ख्याल है कि 1.5 आवर हमें लग जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।